साफा है। राम राम भाई, सारे भाई ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों आज डाणीमाव आ रहे हैं भाई, जो डाणीमाव गांव है ना उसमें आ रहे हैं। अरिया भाई अपनी बाइक खड़ी है स्टार सुंदर न्यूज। तो आज मैं स्पेशल यह वीडियो देखने लायक है भाई, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा लक्ष्मी तय और लक्ष्मी भीतर चाल के दिखावांगे भाई कौन सी लक्ष्मी है। तो आ जाओ मेरे साथ में, बने रही हो सब में। पहले तो मैं आप तई लक्ष्मी के दर्शन करवाऊंगा, तो आ जाओ कैमरामैन तई कहूँगा पीछे पीछे आ जा। तो घेर में आ गया हूँ भाई, जड़ा डांगर बंध्या करें और आज लक्ष्मी तक करवाऊंगा मुलाकात। यह है भाई अपनी लक्ष्मी, यह देखो भाई कैमरामैन तई कहूँगा यह है लक्ष्मी, यह देखो भाई लक्ष्मी डाणीमाव भाई मनु को हूँ निवास में भी लागली। आपा जो इसका मालिक है उससे तो बात करवाओगे कितना के दूध है। तो मेरे तरफ फोन आया बोले भैंस है और भाई उसका इतना दूध है, महा भाई जरूर जरूर आवांगे। और जो अपने दर्शक हैं काफ़ी भाई हैं जो इस तरह की वीडियो देखना पसंद करें हैं, तो इस मालिक तय है जो इसका मालिक है उससे बात करवाओगे। या लक्ष्मी एक बार दिखा दे भाई, चौकर दू दिखा आ जाओ भाई कैमरा मैन तो ही कहूँगा। ये रहे भाई, आ जाओ आ जाओ। राम राम भाई साहब। राम राम और डॉक्टर साहब बढ़िया सुंदर। ये अपना भाई डॉक्टर हैं, यो जो इसका मालिक है भाई राम राम। राम राम भाई, क्या नाम आपका? राजेश कुमार है जी। राजेश, तो थोड़ी हागन लिया और राजेश भाई। अच्छा तो राजेश भाई सब पहले तो नू बताओ यो अपना शौक कुकर चढ़ा भैंस पालन का? यो जी शुरू से जुनून था जी, पापा पाया कर दे फिर हम आगे दादा भी पाया कर दिया पहले में। जितने ही शौक लग रहा है जी, हम आए जी तो हमने शौक लग गया। अच्छा अच्छा। हाँ तो एक बात तो है, मतलब जो पशु है ना ये बड़का की डाल रखने पड़ते हैं। बिल्कुल जी, बड़का तो भी अच्छे रखने पड़े हैं। हाँ। नुआ दुआई सब की ध्यान रखना पड़े है जी इनका। बिल्कुल। तो आपकी भैंस है इनाम भी जीत के लाई है, तो इसने कितनी बार दिन में नुआया करो आप? इसमें जी दो टाइम तो नुआवा, नुआ जी तीन टाइम भी नुआ दिया। अच्छा। हाँ जी। या तो गर्मी की होगी, जाडम है? जाडम दो टाइम तो जरूर जी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, जाडम है भी? जाडम भी जी। और गर्मी में? गर्मी तो तीन टाइम नुआनी पड़े जी। हाँ जी। अच्छा कित कित जाए या भैंस? या जी आप ही तो आड़े अपने है ना जो गांव में लगाया था उसमें लगवाई थी जी निवास में। अच्छा, उसमें हाँ। कितना के दूध था? 2700 का डे है जी। 2700? हाँ जी। कई दिन पाला? यो लगा लियो जी 7 तारीख का लगभग जी। अच्छा। हाँ तो इसकी डाइट के रहा है? डाइट जी नू लगा लियो इसमें खड़ है, बिंदोड़ा है और छोकर अपना गेहूँ का जो, और चना चना है, चना देते हैं और फीड और देते हैं इसको जो फीड है वो। हाँ चूरी चारी गई। तो राजेश भाई लक्ष्मी सच्ची है? लक्ष्मी है? हाँ, लक्ष्मी है जी। है? बिल्कुल जी लक्ष्मी है, दूध की मशीन है जी। हाँ। दूध की मशीन कह दें भाई, कोई भी वो नहीं है। तो राजेश भाई आज आप जो अपने दर्शक हैं ये भी देखना चाहो हैं कितना के दूध है, पूरी अपनी जो वीडियो है लाइव चल लगी और दूध काट दिया ने भी और जो यार के तोल है वो भी आप तक दिखावांगे। तो हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर से बात कर लें। डॉक्टर साहब राम राम। राम 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 भाई सुंदर। हाँ बढ़िया। तो डॉक्टर साहब आप जाओ हो देखो हो भैंसा ने, तो इस भैंस की कोई खासियत बताओ? बिल्कुल सारी खासियत है इसमें और भाई राजेश है यो पशुपालन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे है और हमी तो के है, हमी तो इस मतलब जो है ना भाई सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी नस्ल का जो है ना बीज रख रहे हैं और रख रखाव की राजेश को बता भी देते हैं भाई क्या चारा है क्या जो है ना उसके बारे में राजेश को बताते हैं। और ये वैसे भी किसान भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है और पशु पालन में भी बहुत अच्छा, ये भाई बहुत अच्छा ख्याल रखता है अपने पशुओं का। हाँ तो सब अपा बात कर लें, भैंस जो आगे की हो है तो उसमें जिस तरह दूध कम डोक्या में कम हो जाए? हाँ हाँ हाँ, ये इसको जो है ना 466 सीमन रखवाया इसको, 466 है ना? हाँ 466 सीमन रखवाया चल डी भी, तो इसको 10-12 दिन हो गए हैं। अच्छा। सीमन रखे हुए को। अच्छा अच्छा। तो इसमें डोके में थोड़ा दूध तो कम हो सकता है भाई, कम हो रहा होगा। हाँ ये है। तो भाई आप जिक्रा भी सुन दोगे, सुनी भी होगी कितने कि भाई भिवानी में जो सेक्टर 13 है उसमें जो भैंसा का मेला है वो लागा हर सब बड़ा, हरियाणा में सब बड़ा मेला है भाई, जरूर पूछियो भिवानी सेक्टर 13, तो उसमें भी जाओगी भाई? हाँ जावांगे जी, जरूर जावांगे। अच्छा हाँ तो उसमें भी लगाओगे? हाँ लगावांगे जी, उसमें भी लगाऊंगा। अच्छा हाँ। अच्छा
जो आपकी गराड़ी है उसका कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग है जी, गराड़ी का है जी, गराड़ी कर रही है जी सारा। अच्छा, हम तो बफर टाइप पाछे टाइम में देते हैं। अच्छा, जो भैंस है कौन से ब्यात की है? यह चौथे ब्यात की है जी। चौथे ब्यात? हाँ जी। अच्छा, तो शुरू से आप दो रहे हैं या किस तरह? या आप इसे ले आए थे जी? अभी कौन से ब्यात की ले आए? या तीसरे ब्यात की ले आए थे जी। जिद कितना दूध था? जिद था जी इसका 22-23 किलो दूध जिद भी था जी। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब या जी आप घर नहीं रखोगे? हाँ बिल्कुल, घर नहीं रखा है जी। बच्चों को नहीं? ना, सेल के लिए नहीं जी। अच्छा अच्छा, जो इसकी पड्डी थी वे हाँ, तो बेच की होगी ना? पड्डी है जी, बिया नीचे जो पड्डा था जो सेल कर दिया जी। दिया? हाँ, पड्डा सेल कर दिया जी। अच्छा, ठीक बात है। तो अपने दर्शक ना कई देर तक नू देख रहे हैं कद से दूध काटेंगे और कद से हमें देखा। तो राजेश भाई तैयारी करो दूध की। बिल्कुल, तैयारी चल रही है। फिलहाल आप देख सको भाई, जो बाल्टी हवा खाली होगी है भाई, या देखो अरे इसने जो लक्ष्मी है या भर देगी। आप देखो दोस्तों, जो लक्ष्मी है वह मेरे का नहीं देखा है जिद की। यह देखो नू देखा, हाँ जी कौन आ रहा है? हैं, देख रहे हो, नज़र नहीं तोड़ दी है अभी।
तो दोस्तों देखो बेबे ने दूध है वो काट दिया है और ईब यो कांडा है, कांडा चालू करो जी, कांडा चालू करो। यो है भाई बेबे, हाथ तो दुखने लग जाते होंगे ना जी, हाथ की दुख कौन देख दे, प्रैक्टिस हो रही है, रोज का काम है। दरो जी दरो, तरो अपने दर्शक लाइव देख रहे हैं, 10 110 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। ले भाई दर्शकों लाइव देखो आप, ये आप देख रहे हो, नज़दीक करके मैं आपको दिखाऊंगा। यो जो यह देखो भाई, फिलहाल 10 किलो 110 ग्राम, वाह जी वाह। तो बात करांगे, आ जाओ इस साइड। राजेश भाई 10 किलो काट दिया है? हाँ 10 किलो जी, इब तो डोक्या में थोड़ी कम हो रही है जी। अच्छा, ना तो पूरा दूध था पहले, तो 2-3 किलो दूध सुखा रही है डोक्या में। अच्छा अच्छा, मन्ना नु सुना था 23 किलो है इसका। हाँ 2700 काट दिया है जी। काट दिया है? हाँ जी। अच्छा हाँ, तो भाई देखो पहली भी नु कह 2700 काट दिया है, तो डॉक्टर तो अपन बात करी भाई नुनू वो बीज दे रहे हैं। हाँ जी, ये बीज तो क्या जी, उसका कारण सुखागी जी दूध थोड़ा। हाँ तो आप भाई दर्शकों आप देख सको हो, 10 किलो 110 ग्राम, वाह जी वाह। तो आ जाओ एक बारी डॉक्टर तो ही बात कर ले। डॉक्टर अपने इस साइड आ जा, इस साइड आ जा, थोड़ा कम रहेगा दूध? कम तो ऐसा है ना भाई, 2-4 किलो तो सुखाए दे है पशु। हाँ। क्यों इटमाव है और फिर जब मतलब क्रॉस करवावा हाँ, तो उसमें थोड़ी पशु का भी दिक्कत हो है। अच्छा, उस वजह से 2-4 किलो दूध की को खास बात को नहीं होती, बाकी 2300 इसने काट रखा है। काट रखा है? हाँ। वाह जी वाह, देखो भाई इतना दूध है पाछे, क्योंकि जिद्दे कही जा है लक्ष्मी। एक चीज और है सुंदर भाई, जिस तरह कहते हैं लोग अगर भाई 25 किलो दूध है, 22 किलो है, 23 किलो है, मतलब हाथ वेट की काट डी बेरा पट्टा है दूध, इतना दूध हो सको नहीं होता। बिल्कुल। हाँ। तो आज आप तो ही दिखा भी दिया दर्शकों, तो मेरे भाइयों आज है जो दिखाया है सुंदर ऐसा है, लो दो डंगर सारे मतलब 5-7 गामा में देखा डंगर ने भाई, 3-3 महीने का भी कौन पांदा इतना दूध। कौन राजेश भाई ने एक महीने तैयार कर रखी है उसको, इतना दूध काढ़या है। सही बात। तो भाई एक बार मैं फिर लेके चलूंगा, आ जाओ आ जाओ एक बार नजदीक करके, जो लक्ष्मी है इस नाप ध्यान तो देखो, यह है लक्ष्मी, यह देखो भाई दिखा दे भाई, यह देखो यह है लक्ष्मी, और भाई बड़ी होके यह भी लक्ष्मी बनेगी यार, रही यह देखो वह बड़ी लक्ष्मी है और यह छोटी लक्ष्मी। वो अरे मतलब कब बजे उठ लियो आप? सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठ के भाई लाग जा है काम का है। तो इब तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, शुरू में आपने जिद काटना शुरू कराया तो जितो दुख दे होंगे ना जी? बिल्कुल, छोटे छोटे निकालने लगी थी मैं तो दूध। अच्छा, शुरू प्रैक्टिस हो रही है। हाँ सही बात है भाई, एक बारी मन ना काटा था 1-2 किलो काटा, वो हाथ दुखने लगे माँ भाई, अपना बस की बात को नहीं। और इस बेबे ने देखो भाई आज जो है 10 किलो दूध आपका शैम ही काटा है, जो वीडियो है वो बिल्कुल लाइव चाली है। तो दोस्तों और भी कोई इसी भैंस हो जो अपना आस पास तो ज़रूर बताइयो, और उसकी भी वीडियो आप जरूर बनावांगे और दिखावांगे अपने जो भाई हैं जो देख रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी भैंस भी हैं और जो भाई इतना सारा दूध दे हैं, और कल जो बता रहे हैं भाई ये भिवानी पूछेगी तो उसकी, तो भाई उड़े भी आप इस भैंस ने ले उड़े दिखावांगे। तो एक बार आज बात करांगे, डॉक्टर आप तो घूमो सारा है, तो इसी भैंस और भी है क्या आसपास कोई? ना इसी जो है ना भाई सिद्धि माड़ी देखने ने मिला कर, बाकी इसी में से इबसे कौन फिलहाल। अच्छा हाँ, राजेश भाई का नंबर और बता दो। राजेश भाई हाँ भाई बताओ नंबर। नंबर है 999-121 पूरा 6800 जी। पूरा 6800 एक बार फिर बता। 999-121 पूरा 6800 जी। और गांव डाणीमाओ जी। थोड़ा एड्रेस और बता दो कि ठीक है। ये है जी जो भिवानी से वहाँ है जी अपनी दिनोद कुआड़ बजीणा और फिर डाणी में हुआ है जी। बिल्कुल, आपने जो है भाई नंबर है नंबर दे दिया है बात करके, क्योंकि आजकल फोन पर ज्यादा एक्टिव रहे हैं, फोन करके अगर कोई भाई देखना चाहता हो तो देख सके। हाँ देख सके जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई आया हो और देखो खूब दाम। हाँ आपका घर है मैडम जाएगी तो देखो भाई, जिसका जी करे देखने का। बिल्कुल सही बात है, मैडम भी देखो और भाई पशुपालक से उन भी मतलब भाई
मौका मिले से बढ़िया बढ़िया डांगर देखने का और उनकी भी थोड़ी रुचि हो भाई, पशु इतने अच्छे दूध दारू पशु भी हो हैं। चलो जी धन्यवाद डॉक्टर, ठीक है जी। अच्छा भाई जो भैंस ने दूध दिया है वो आपने देखा, ईब जो इसकी डाइट है वह दिखावांगे के इस भैंस ने गेर हैं तो यो तो इनका भाई गेर जो भैंस बास बंद है ईब इनका घर न लेके चलेंगे, यो है इनका घर और भाई घर न सीधे जो भैंस न देव हैं के देव हैं वो सारी चीज़ आप दिखावांगे, यो है भाई इनका घर। तो कैमरा मैन तो कहूँगा एक बार दिखा दो भाई, यो अनाज उनूज पड़ा है यो देखो भाई, और आजो आजो कैमरा मैन तो कहूँगा आजो, और भाई ये अपना ये देखो भाई जो खड़ा है नू लागा है दोनों तो भाई दुकान कर रखी है लेकिन ये दुकान को नहीं, यह उस भैंस खातर है भाई, लक्ष्मी खातर है, क्योंकि जो भैंस है वह नुए को नहीं रखी जाती और उस खातर मतलब बहुत सारी चीज़ ले रखी हैं। ये देखो आजकल भाई मर भर गया नखाण न कोनी, जो भैंस है वो ये खा है हैं सेब खा है भाई, ये आप देख सको ये भैंस खातर ले रखे हैं, और गाजर ये गाजर काट रखी ये देखो भाई, और न्यार भीतर से ये खा है भाई वह जो लक्ष्मी है जिद उसका नाम लक्ष्मी है, और इब जो इनके मालिक हैं उन तो बात करवावांगे। आजो राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। क्या नाम जी आपका? बान सिंह जी। अच्छा आपने भी शौक था जी भैंस भूस रखने का? हाँ शुरू से रखा। अच्छा हाँ। तो आपका टेम में था कोई इसी बैस थी जो नहीं, इतना 19-20 किलो ताई की तो पहले भी होली। अच्छा 20 किलो ती की होली। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ। ये उनसे बढ़कर है, अच्छे नस्ल की है ये, उनसे भी उनसे बहुत ज्यादा अच्छे नस्ल की है ये भैंस। हाँ, हाँ, हाँ। दुधारू भैंस है बहुत ज्यादा। तो अंकल जी आप तो शुरू था भैंस का करते हो? तीन तीन चार चार भैंस तो रखा है। रखो हो? अच्छा बताओ भाई। अच्छा और किके दिया करो इस भैंस ती बस खाने ये दो तीनों डाल के तो फीड चने की चूरी। अच्छा हाँ गाजर सेब वगैरह ये जो दे रखी। अच्छा ये जो गाजर सेब है ये रोज डेली? हाँ डेली। अच्छा हाँ तो और भी कोई इसी दवाई है कोई भाई और कुछ मटेरियल ऐसा हो जो इसने दिन दे हो या फिर इससे तो दूध दाद बढ़ गया? यो इससे तो बड़ा इससे हरा सारा है के। हाँ अच्छा अच्छा और कोई स्पेशल दवाई नहीं? ना दवाई कोई ये देसी खाना है। हाँ देसी खाना जिस तरह पहलवान देसी खाना खाया। हाँ देसी नुए ये खा है। हाँ वाजी वाजी। आज ये आप भी रखे करो? हाँ जी रखते हैं। अच्छा हाँ लेकिन हमारी तो इसी नस्ल की कोनी इतने दूध वाली नहीं है। बताओ आसपास का इसी भैंस? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बान सिंह की जो भैंस है ना फिलहाल हमारा एरिया में कोनी ऐसी बहुत दूध वाली भैंस है ये और नस्ल भी अच्छी इसकी। नस्ल भी अच्छी तो कल नुका है बियाणी भी जाएगी? हाँ बियाणी जाएगी। आप भी जाओगे जी? हाँ लड़का जाएगा मैं भी जाऊंगा। अच्छा अच्छा चलो चलो जी धन्यवाद जी। तो दोस्तों यह वीडियो आपने किसी की लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और भी वीडियो दिखाने दे रहा हूँ आगे बना दे रहा हूँ आगे देख दे रहे हो अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की जय।